वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी है। छोटी सी जानकारी आपके लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे आपके हेल्प करेगी। तो ये केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें विटामिन्स जो है उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके केमिकल्स नेम, और इसके बाद आपको स्लाइड में उनके स्ट्रक्चर भी बता दूँगा और उनके रिसोर्सेज भी आपको पता चल जाएंगे। सो विटामिन बेसिकली दो तरह के हैं। फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सोलबल में आपके आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो बी कम्प्लेक्स से लेके सी तक जितने भी हैं दे आर वाटर सोलबल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका आता है जो फैट में सोलबल हैं, यानी वसा में, चर्बी में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और बॉडी में कम्पलीट हो जाते हैं। सो फैट वाले जो विटामिन हैं वो कम अमाउंट में लेने चाहिए क्योंकि ये यूरिन से बाहर नहीं आएंगे। उसमें विटामिन ए डी ई के, ये जो चार विटामिन है दे आर लिपो सोलबल और फैट सोलबल। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जहाँ जो विटामिन दिए हैं बी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी इसके नेम्स देख लीजिए। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन डी जो है डेट इज़ कैल्सिफिरॉल। विटामिन ई इज़ द टेकाफिरोल, जो टोकोफिरोल। विटामिन के इज़ द फाइलोक्विनोन। बी वन इज़ द थायामिन। बी टू इज़ द राइबोफ्लेविन। बी थ्री इज़ द नियासिन। बी फाइव इज़ द पेंथोनिक एसिड, पी फॉर पेंटोल। बी सिक्स इज़ द पायरीडॉक्सिन। बी सेवन इज़ द वाइटिन। बी नाइन इज़ द फॉलिक एसिड। बी ट्वेल्व इज़ द साइनोकोबालामिन, जो कि नॉन वेज में फैटी लीवर में मिल जाता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिट और एस्कॉर्बिक एसिड का नाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। यहाँ जो बी वन से लेके बी ट्वेल्व तक है, इट इज़ अ बी कॉम्प्लेक्स। ये हाईली यूजफुल होते हैं फॉर आवर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्ट्रेस रिलीजर। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दिया था, ये छोटी सी जानकारी थी। तो ये टिप्स पे याद रखने के लिए आसानी हो जाती है, और कम्पिटिटिव में भी कई बार ऐसे ही टर्म्स आ जाती हैं जो लिखी होती हैं, तो अभी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।